हेलो फ्रेंड्स, नील्स किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड का फेवरेट ब्रेकफास्ट पोहा। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे मैं छीलकर बारीक काट लूँगी। 1 मीडियम साइज़ का आलू लिया है, जिसे छीलकर काट लेना है। 1 या 2 ग्रीन चिलीज, जिसे बारीक काट लेना है। प्याज को मैंने यहाँ बारीक काट लिया है, ग्रीन चिलीज को बारीक काट लिया है, आलू को भी बारीक काट कर इसे पानी में डाल दिया है। अब आलू को पानी से निकाल कर इस तरह से प्याज के साथ रख लेना है। अब मैं यहाँ पर 2.5 कप पोहा ले रही हूँ, जो कि ना ही बहुत मोटा है ना ही पतला। अब मैं इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से पानी से धो लूँगी। अब मैं यहाँ पर इसमें पानी डालकर इसे 3 से 4 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दूंगी, जिससे कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, देखिए पोहा जो है वो सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से पोहे को भिगा कर रखने से हमारा जो पोहा है वो अच्छा सॉफ्ट बनेगा। अब मैं इस तरह से हाथों से दबा दबा कर इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकाल दूंगी और इसे एक अलग से प्लेट में रख लूंगी। देखिए मैंने इसे अलग से एक प्लेट में रख लिया है। अब हम इसमें लगभग 3/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, शक्कर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, ये आप अपने हिसाब से डालिए। अब मैंने यहाँ पर एक मोटे तले की कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। तेल को अच्छे से गरम करना है, तेल से धुआं उठने लगा है। तब हम इसमें करीब 1/4 कप मूंगफली डालकर इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे हल्का लाल होते तक फ्राई करना है। मूंगफली देखिए हल्की लाल हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पर अभी मैंने कम कर दिया है। अब मैं गरम तेल में राई डालूंगी 1 टीस्पून और इसके तड़कने का वेट करूंगी। राई अच्छे से तड़क चुकी है। अब यहाँ पर मैं फ्लेम को लो करूंगी और इसमें आलू प्याज डालूंगी। साथ ही साथ हरी मिर्च और 15 से 20 करी पत्ते डालेंगे। इसे अच्छी तरह से चला लेना है। और इसे ढक्कन से ढककर करीबन 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है। दो मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन हटाकर इसमें नमक डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लेंगे और फिर लिड से कवर कर देंगे। फिर से 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। 2 मिनट के बाद मैंने लिड ओपन किया है, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। आलू और प्याज अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें पोहा डाल रही हूँ।
मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और इसे ढक्कन से ढककर करीबन 3 से 4 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कुक करूंगी। 3 से 4 मिनट के बाद देखिए ये पोहा कितना बढ़िया कुक हो चुका है। बीच में मैंने 2 मिनट के बाद इसे खोलकर फिर देखा था और इसे चला लिया था ताकि ये जले ना, तो आप भी ऐसा ज़रूर करें। इस तरह से स्लो फ्लेम पे पका हुआ जो पोहा होता है वो कड़ा नहीं होता है, ठंडा होने के बाद भी वो सॉफ्ट ही रहता है। देखिए यहाँ पे पोहा और आलू अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें फ्राई किए हुए मूंगफली डाल देंगे और धनिया की पत्ती चॉप की हुई डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसे ढक देंगे हम और फ्लेम को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब इसे 1 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देना है ताकि धनिया का जो फ्लेवर है वो पूरे पोहे में आ जाए। 1 मिनट के बाद देखिए मैं इसे खोलकर देख रही हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया बना है पोहा। ये पोहा आई एम श्योर आपके बच्चों को भी पसंद आएगा। इन्जॉय कुकिंग।